नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली पाईकॉइन है मेनेट के अंदर लॉन्च हो चुका है, माइग्रेट टू मेनेट। आपके पास जितने भी पाईकॉइन है इनका विड्रॉल है आप पाई वॉलेट के अंदर कर सकते हो अपनी केवाईसी पास करने के बाद। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमने जिन कॉइन का यहाँ पर लॉक कर दिया है, हमने लॉकअप की सेटिंग को कंप्लीट करके यहाँ पर मेनेट चेकलिस्ट के अंदर नंबर 4 अपडेट को कंप्लीट कर लिया है और हमने अपने पाई कॉइन का कुछ परसेंट है यहाँ पर लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर लॉक किए ये कॉइन का हम पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल कैसे करेंगे और कब तक हमारा पाई कॉइन है वॉलेट के अंदर विड्रॉल हो जाएगा और हमें कब ये कॉइन है वो मिलेंगे। तो भाई आपने जितने भी समय अंतराल के लिए आपने जितने कॉइन को यहाँ पर लॉक किया उतने कॉइन उस समय के बाद आपको मिल जाएगा। जितना समय के अंदर लॉकअप किया उतना आपको मिल जाएगा। तो भाई अभी हमारी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो क्या हम अपने पाई कॉइन का विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं। तो भाई आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, यहाँ पर आपने लॉक किया है यहाँ पर 50% कॉइन को। आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर 1000 कॉइन है, मात्र 1000 पाई कॉइन है, तो उनमें से 50% कॉइन है वो लॉक हो जाएंगे, वो यहाँ पर पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल है वो नहीं होगा। बाकी बच गए यहाँ पर 500 कॉइन का विड्रॉल है वो कर पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे जो 500 पाई कॉइन है वो यहाँ पर लॉकअप के अंदर लॉक हो जाते हैं, इनका विड्रॉल है वो कैसे करेंगे यानी कब तक कर पाएंगे। तो ये आपने यहाँ पर जितनी यहाँ पर जो ड्यूरेशन यहाँ पर तय की होगी लॉकअप को लेकर, यहाँ पर 2 वीक आपने की होगी तो 2 वीक के बाद आपको है वो मिल जाएगा केवाईसी कंप्लीट होने के बाद। यदि आपने 6 महीने के बाद किया होगा या आपने 1 साल या 3 साल के लिए, तो जितना आपने जितने टाइम के लिए पाईकॉइन का लॉक किया वो टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आपने 50% या 90% जितना भी पाईकॉइन का लॉकअप किया वो आपको पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल है फिर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 50% कॉइन का हमने यहाँ पर 3 साल के लिए लॉकअप करके रखा है। यहाँ पर 50% की बात करें तो यहाँ पर अनवेरीफाइड बैलेंस है, उसके अलावा जो हमारा जो वेरीफाइड बैलेंस है यानी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जो ट्रांसफर बैलेंस है उनमें से यदि 50% कॉइन है वो हमारे विड्रॉल है वो हो जाएंगे पाई वॉलेट के अंदर। और 50% को हमने लॉक कर दिया पर 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद है 50% कॉइन है वो पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल हो जाएगा। तो ये भी हम बात कर लेते कि हम 3 साल के लिए 50% कॉइन को यहाँ पर लॉक करके रखा है तो इससे कौन सा फ़ायदा होगा हमें पाई कॉइन का लॉक करने से। तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% × 200% लॉक यहाँ पर आपको सूत्र दिखाई दूंगा यानी आपको सबसे ज़्यादा कॉइन यहाँ पर मिलेंगे जो माइनिंग के द्वारा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा रिवार्ड होगा वो लॉकअप के द्वारा सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप जितने समय के लिए पाई कॉइन का लॉक करेंगे उतना आपको ज़्यादा पाई कॉइन है वो यहाँ पर मिल पाएगा। तो यहाँ पर 3 साल के लिए लॉक कर देंगे, 3 साल के लिए पाई कॉइन का होल्ड कर देंगे। आपने जितना भी पाई कॉइन होल्ड करके रखा इनका विड्रॉल तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर 3 साल तक कर रखा तो 3 साल तक इनका विड्रॉल है वो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ओनली फॉर 50% का। यदि यहाँ पर मैं 100% यहाँ पर कर देता तो यहाँ पर सभी कॉइन का मैं विड्रॉल है वो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो जितने आपके पास अभी तक यहाँ पर जितना लॉकअप कर दिया वो यहाँ पर लॉक रहेगा, जितने समय के लिए लॉक किया उतने समय कंप्लीट होते ही आपके कॉइन है वो यहाँ पर पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल है वो कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हमारे जिन कॉइन का लॉकअप कर दिया उनका विड्रॉल कब होगा, तो भाई आपने जिस समय जिस अंतराल के लिए लॉकअप किया उस समय के बाद आपके पूरे पाई कॉइन है वो यहाँ पर पाई वॉलेट के अंदर मिल जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना और जिस भाई ने कमेंट किया था उनको भी इस वीडियो के द्वारा जवाब मिल गया होगा। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि लॉकअप कॉइन है वो यहाँ पर पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल कब तक हो जाएगा। तो आपके पास जितने कॉइन है उनमें से आपने जितने परसेंट को लॉक किया है और जितने समय के लिए किया है वो यहाँ पर आपको उस समय के बाद पाई कॉइन है पाई वॉलेट के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।